विज्ञान भवन ठारे उद्यमी भारत कार्यक्रम में जोग देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 कोटी व्यय अटकल रे एमएसएमई दक्षता वृद्धि योजनार शुभारंभ करछंती प्रधानमंत्री। या सहित एमएसएमई आईडिया हकाथन 2022 रो फलाफल घोषणा सहित जातीय एमएसएमई पुरस्कार मध्ये प्रदान करछंती। एमएसएमई सेक्टर 30% लाभ मिलुथवा कहिछंती प्रधानमंत्री। एमएसएमई सेक्टर विकास हेले पूरा समाज विकास हेबो, या सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता मध्यरु गोटिए बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है।